नमस्कार, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। आज पुकार न्यूज ने अस्तर के लोगों से बात की जिन्हें राशन की बहुत बड़ी समस्या थी। उन्हें राशन लेने काफी दूर जाना पड़ता था, परंतु टीएसओ अस्तर ध्यान सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन के अंदर वह इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट डोडा से रामबन में भेज देंगे, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें अपनी नजदीकी इलाके से राशन मिल सके। राशन की लिस्ट में 72 लोग थे जो टीएसओ से मदद मांगने गए थे, और टीएसओ उनकी ये समस्या जल्द ही हल कर देंगे। लोग इस चीज से बहुत खुश हैं कि टीएसओ ध्यान सिंह उनके साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं असर से हमारे संवाददाता यासिर की इस रिपोर्ट पर। चाहता हूं कि हम लोगों की एक डिमांड थी, हम लोग काफी दूरी से राशन के लिए जाते थे, जो राशन डिपो था वहाँ पे जाते थे, जहाँ हमारी माताओं को, बहनों को, बुजुर्ग साहिबानों को काफ़ी परेशानी होती थी। तो कई दफ़ा हमने डीलर को बोला, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। तो जब मैं टीएसओ साहब से मिला तो उन्होंने मुझे विश्वास दिया, बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस से बोला कि आज तक मुझे एक्चुअली रियलिटी का पता नहीं था कि ऐसा है, आप लोगों को इतनी मुश्किल का सामना है। तो मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, सबसे पहले पुकार न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया है, जो काफ़ी दूरी से यहाँ पे हम लोगों के बीच में आए हैं और हम लोगों के मसले व मसाइल को उठाया है कि पब्लिक को दिक्कत क्या है। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आपने टाइम निकाला और टाइम निकाल के आप हम लोगों के पास आए। हम लोगों की एक्चुअली बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन एक जो मेन उसमें थी वो हमें ये थी कि राशन की दिक्कत होती थी। एक्चुअली जो हमारे लोग थे वो 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर राशन के लिए जाते थे, जहाँ की हमारी माताओं को, बहनों को उससे काफ़ी सफ़र होता था। तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम इस ज़माने में भी, इस साइंटिफिक डेज में भी, क्यों ना इस मुद्दे को उठाएं और हम लोग वो राशन एक अपने नज़दीकी से लें, जहाँ हमें नज़दीक हो। तो हमने ये स्टेप उठाया, कई दफ़ा हमने डीलर को बोला, जो कुंजीलाल जी है, लेकिन उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। उन्होंने बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो मैंने बोला, आपके पास ऐसी कौन सा वो कोई कानून है, जो एडवाइजरी है, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन देती है कि आप लोगों को दबा के रख सकते हो? तो जब मैं टीएसओ साहब से मिला तो टीएसओ साहब मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत हॉनेस्ट हैं। मैं भगवान से, खुदा से ये दुआ मांगता हूँ कि इनकी लंबी एज हो और लंबी सर्विस हो। उन्होंने आज हमें अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में भेजा, जो यहाँ के आवाम की डिमांड थी। तो वो कहाँ तक पहुँची, मतलब उनने क्या कहा? एक्चुअली टीएसओ साहब ने अभी बोला कि विद इन 2 या 3 डेज में हम आपको अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में भेज देंगे। जो लोग यहाँ पे मेरे पास आए हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशंस यहाँ पे अप्रोच की है, उनको मैं भेज देंगे। लगभग कितने राशन कार्ड्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से जुड़े हैं? एक्चुअली ये सर राशन कार्ड जो है 72 राशन कार्ड्स हैं, लेकिन जो डीलर है वो लोगों को पैसे देता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो थोड़े अनएजुकेटेड हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि ऐसा है क्या। जब इस वक्त में हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया का, एलजी इंतजामिया का, हमारे मोदी जी का एक ही कहना है कि जैसे हो सके गरीब आवाम को बेनिफिट हो, लेकिन हमें ऐसा ग्राउंड जीरो पे कुछ भी नहीं है, हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ अच्छे ऑफिसरान्स आते हैं, जबकि लोगों का मसला हल हो जाता है। जैसे आज टीएसओ असर में ध्यान सिंह जी, क्या डिमांड रहेगी अब आपकी? कुछ मैं एक ही मौत बनना इल्तमास कर रहा हूँ टीएसओ ध्यान सिंह जी से, कि सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो पब्लिक है, पब्लिक के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आज जो आपने पब्लिक के साथ वादा किया है, जो मुझे बोला गया है कि विनोद जी विद इन 2 या 3 डेज में हम आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, जो जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो मुझे भी यकीन हो गया है, क्योंकि अच्छे से उन्होंने बोला भी है, टेबल टॉकिंग हुई है, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा ये। डोडा के निवासियों के लिए एक बेहतरीन खबर, अब आपके डोडा शहर के इकलौते केबी सुपरमार्ट वन स्टॉप शॉप में उपलब्ध है आपकी जरूरत के हर सामान की अथोराइज डीलरशिप, जैसे बिकेनो, आची मसाले, घड़ी डिटर्जेंट, लॉटी चौक उपाय, हिमालय प्रोडक्ट, नीता मेहता मसाले, स्कॉच ब्राइट, पी मार काटा और यूनाइटेड 18। तो बिना देर किए अभी जाइए अपने केबी सुपरमार्ट वन स्टॉप शॉप नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में और लाभ उठाइए। अपने ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट के लिए जुड़े पुकार न्यूज़ से और संपर्क करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर।